बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अकीला यामीन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कैरी की मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी, जिसे हम कच्चे आम का मुरब्बा भी कहते हैं। तो इस रेसिपी को देखने के बाद आप खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे इस रेसिपी को बनाने से। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से ये मुरब्बा बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं और इसकी प्रिजर्वेशन के लिए हम इसके अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम इस कैरी के मुरब्बे को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। तो आइए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 1.5 kg के बराबर ये कैरियाँ ली हैं और इनको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और इन्हें मैंने ड्राई कर लिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन कैरियों को पील ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये नाइफ की हेल्प से इनका जो टॉप का ये पार्ट है इसे रिमूव कर देंगे। अब हम इसके पहले तो स्लाइसेस बनाएंगे और फिर इनको हम फिंगर की शेप्स में कट करेंगे, जैसे फ्रेंच फ्राइज की शेप होती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने कट करना है। लेकिन इन्हें हम थोड़ा सा थिक रखेंगे, क्योंकि पकने के बाद ये मज़ीद श्रिंक हो जाएंगी, तो इसलिए हमें इसे थोड़ा सा थिक ही रखना है। जिस तरीके से मैं रख रही हूँ, इसी तरीके से आप भी रखिएगा। तो हम सारी कैरियों को इसी तरीके से इन शेप में कट कर लेते हैं। सारी कैरियों को मैंने कट कर लिया है। अब एक पैन के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चीनी, 750 ग्राम्स, यानी कि 3 पाव के बराबर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 कप के बराबर। और चीनी के मेल्ट होने तक हमें इसे पकाना है। तो फ्लेम को मैंने मीडियम हीट पर ऑन कर दिया है। अब इस तरीके से मैं इसमें स्पैचुला चलाती रहूँगी मुसलसल, ताकि चीनी जो है वो नीचे से जल ना जाए। तो चीनी यहाँ पर हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। चीनी के मेल्ट होने के बाद भी मज़ीद हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे मीडियम हीट पर। मैंने 1.5 kg कैरियाँ ली थी, जब हम इसे पील ऑफ कर देते हैं और इनकी गुठलियाँ निकाल देते हैं तो इनका वेट कम हो जाता है। तो तकरीबन ये 1 kg के बराबर इनका वेट अब हो चुका है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मज़ीद अब हम इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कलौंजी, तकरीबन 1/2 teaspoon के बराबर। कलौंजी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और नमक मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 teaspoon। कैरियाँ जो है वो खट्टी होती हैं, इसके अंदर हमने चीनी ऐड की है जो कि इन्हें मीठा बनाएगी। और अब जो हमने इसके अंदर नमक ऐड किया है, नमक इन दोनों के जायकों को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर अब हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर, तकरीबन 1 pinch के बराबर। ऑरेंज फूड कलर से इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा, बहुत खूबसूरत लगता है ये कलर। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे कवर कर दूंगी और लो टू मीडियम हीट पर मैं इसे पकाऊंगी, जब तक कैरी जो है अच्छे से गल ना जाए। तो यहाँ पर अब हम इसे कवर कर देते हैं और कैरी के गलने के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए, कैरी के गलने तक मैंने इसे पका लिया है और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, ना ही आपको इसकी कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा थिक रखना है। तो यहाँ पर इसकी प्रिजर्वेशन के लिए हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे, तकरीबन 1 tablespoon के बराबर मैंने इसके अंदर सफ़ेद सिरका ऐड किया है। ये इसे प्रिजर्व करेगा, इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, इसे ख़राब होने से बचाएगा। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सिरका भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 tablespoon के बराबर बादाम और 2 tablespoon के बराबर ही मैं इसके अंदर पिस्ते ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं और चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स और नट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसे हम मज़ीद नहीं पकाएंगे, क्योंकि इसे मज़ीद पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको चेक करा देती हूँ कि ये देखिए, अभी भी ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं हुआ है, लेकिन इस स्टेज पर हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो ये जैसे ही ठंडी हो गई है, मैंने इसे एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर फिल कर लिया है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये कैरी की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई है। इसे आप पराठे के साथ इंजॉय करें, स्पेशली मेरी रिकमेंडेशन है ये, तो ये बहुत मज़े की लगती है। तो इस मुरब्बे को बनाकर आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर फिल करके आराम से 5 से 6 महीने तक ईजिली यूज़ कर सकते हैं। कुछ एहतियात करनी होगी, जैसे कि आप जो भी कंटेनर यूज़ कर रहे हैं उसे अच्छे से वॉश कीजिएगा और उसे अच्छे से ड्राई करने के बाद ही उसके अंदर इस मुरब्बे को फिल कीजिएगा। और जितनी बार भी आप इसे यूज़ करें तो इसके अंदर जो आप स्पून यूज़ करेंगे वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इससे पहले कि ये कैरियाँ आम की सूरत अख्तियार कर लें, तो आप लोग इन रेसिपीज़ से फ़ायदा उठाएं। इससे पहले भी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर एक रेसिपी अपलोड की है, कैरी का कॉन्सेंट्रेटेड सिरप बनाना मैंने आपको सिखाया था।
तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सिरप बनाकर आप उसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। उसको बनाने का क्या तरीक़ेकार है, कितने लंबे अरसे तक आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरी रेसिपी को लाजमी देखिएगा। ऊपर आई बटन में भी मैं लिंक दे देती हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप उस रेसिपी को देख सकेंगे। तो मेरी इन रेसिपीज़ को लाजमी ट्राई किया करें, आप लोग फीडबैक देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।